हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। टाइगर जिंदा है का 18 दिन का कलेक्शन आने के बाद वापस से सभी के दिमाग में यही आया होगा कि कहां तक इसका कलेक्शन जाएगा, क्या ये पीके का रिकॉर्ड बीट करेगी कि नहीं। तो आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं, कुछ चीज़ें बताता हूं, कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं, ताकि आपको एटलीस्ट इतना भरोसा हो जाए कि ये फिल्म 340 करोड़ तक जाना इसके लिए अभी भी मुश्किल नहीं है। चलिए बात करता हूँ, मेरे देखने वाले एक है दपेदर दादापीर नाम इनका। इनके हिसाब से जो भी प्रेडिक्शंस है अभी तक का, यानी कि आने वाले दिनों में कैसी कमाई होगी, और मैं अपना लॉजिक भी इसमें लगाऊंगा, देखते हैं क्या आखिर होता है। इनके हिसाब से टाइगर जिंदा है 311.75, यानी कि ये आज का कलेक्शन इन्होंने पकड़ा है, यानी कि अभी तक का कलेक्शन हो चुका है लगभग 312 करोड़। ठीक है, 312 करोड़। और कल का जो कलेक्शन 2.5 करोड़ आएगा, ठीक है, यानी कि 19वें दिन 20वें दिन का कलेक्शन आएगा 2.25 करोड़। उसके बाद गुरुवार यानी कि जो इस वीक खत्म होने वाला जो दिन रहेगा, यानी कि 21वां दिन, वहां पे कलेक्शन अगर 2 करोड़ भी आएगा तो टोटल जो पकड़ के चले तो वो कलेक्शन आएगा 318.50 करोड़। ठीक है, 318.50 करोड़ कलेक्शन आएगा, और यानी कि जो कलेक्शन हुआ तीसरे हफ्ते का सिवा अकेला कलेक्शन पकड़ा जाए तो वो कलेक्शन है 28.5, यानी कि 28.5 करोड़। इसका थर्ड वीक का ही सिर्फ कलेक्शन है। ठीक है, अब इस कलेक्शन में अगर चौथे वीक में इसका आधे से आधा नहीं हुआ, मतलब आधे से ऊपर रहा, तो कलेक्शन बेहतर होंगे चांस। मैं बताता हूँ मतलब इनका लॉजिक क्या है, यानी कि अगर 50% कलेक्शन चौथे वीक में नहीं गिरा, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे थर्ड वीक का जो फ्राइडे था उससे थर्ड वीक के मंडे तक सिर्फ 30% गिरा है, तो यानी कि अगर 28 करोड़ कलेक्शन तीसरे हफ्ते में रहा है तो डिक्लाइन अगर 50% से ज्यादा नहीं हुआ, यानी कि 30 या 40% ही रहा डिक्लाइन, तो फिल्म का कलेक्शन अच्छा रहेगा। और जैसे देखा जा रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में जो डिक्लाइन हो रहा है कलेक्शन का, वो 50% से ज्यादा नीचे नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। तो यानी कि अगर इन्होंने पकड़ा है कि अगर इस ये फिल्म चौथे हफ्ते में पकड़ के चलो कि 14 करोड़ कमाती है, यानी कि 28 का आधा इन्होंने किया है सीधा सीधा, राइट, यानी तीसरे हफ्ते में 28 करोड़। इनका मतलब है कि अगर उसके बावजूद अगर 50% डिक्लाइन होता है और फिल्म 14 करोड़ कमाती है चौथे हफ्ते में, तो टोटल कलेक्शन होगा 318.50 तीसरे हफ्ते तक का, और उसके बाद चौथे हफ्ते तक का 14.5। ठीक है, टोटल कितना हुआ 333 करोड़, यानी कि 4 हफ्ते के बाद जो टोटल होगा वो 333 करोड़ होगा। आप सोचते होंगे 4 हफ्ता मतलब कहां तक, कौन कितने दिन हुए, तो मैं आपको बता दूं, ये है कैलेंडर, 4 हफ्ता यानी तीसरा हफ्ता खत्म होते होते ये दिन हो जाएगा, चौथा हफ्ता यानी कि इनका हिसाब से जनवरी 2018 में ये फिल्म 333 करोड़ कर सकती है आराम से, जिस पे मुझे भी यकीन है। यानी कि अब बात यह आती है कि 18 से 25 तक इसका क्या सफर होगा, या फिर 18 से 1 तारीख यानी कि या फिर 31 तारीख पकड़े जनवरी 21 तारीख तक का क्या सफर होगा, क्या इतने सफर में ये 7 करोड़ और कमा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम देखें 7 नहीं 8 करोड़, क्योंकि अगर हम देखें 333 करोड़ अगर ये कमा रही है चौथे हफ्ते में, तो इसके पास सिर्फ चांस यही है कि ये एक और हफ्ते तक चल जाए तो बढ़िया कलेक्शंस करे। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 हम बात करें उसके बाद पांचवें हफ्ते की, 19, 20, 21, यानी कि शुक्रवार शनिवार रविवार, ये 3 दिन निर्णायक होंगे 19, 20 और 21। इस 3 दिन में अगर फिल्म 1.5 या 1.5 करोड़ भी कमाती है तो कलेक्शंस अपने आप कितने हो जाएंगे, 336 करोड़ हो जाएंगे। और उसके बाद अगर ये बाकी दिनों में फिल्म कमाती है, यानी कि ये तीन दिन और पकड़ के चले, 37, 38, 39, यहाँ तक अगर 339 करोड़ ये फिल्म कमा लेती है तो ये फिल्म आराम से 2 करोड़ तो और कमा सकती है। यहाँ से क्लैश होगा, और क्लैश होने के बावजूद थोड़ा बहुत तो कलेक्शंस करेगी ना आने वाले 10 दिन में, यानी कि कम से कम भी होगा टाइगर जिंदा है का कलेक्शंस तो 340 तो भैया मिनिमम है, 340, 341, 344, 345 तक जा सकता है। यानी कि फिलहाल जो रेशियो चल रहा है या जो आंकड़ा लग रहा है, जिस हिसाब से ट्रेंड हो रही चीज़ें, उस हिसाब से लग रहा है कि टाइगर जिंदा है 341 से 345 करोड़ तक आराम से जा सकती है, बशर्ते जो फिल्में रिलीज हो रही है ये 12 तारीख को या फिर 19 तारीख को, वो छोटी बजट की फिल्म हो, वो ज्यादा बढ़िया चले ना, जिसकी तभी ये ज्यादा पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें 12 तारीख को 1921 फिल्म आ रही है जो बहुत बड़े बजट की नहीं है, तो ऑफकोर्स उतना ज्यादा क्लैश का इश्यूज नहीं है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि अभी भी टाइगर जिंदा है, जो ये हमेशा कहते हैं दपेदर भाई, और मैं भी एग्री करता हूँ इस बातों से। आपकी ओवरऑल क्या राय है, क्या टाइगर जिंदा है, क्या टाइगर बीट करेगा पीके का रिकॉर्ड,
341 करोड़ का जरूर बताएं, क्योंकि मेरे लॉजिक से तो लग रहा है एटलीस्ट 341 करोड़ तो यार कमा लेगी, 340 या 341 करोड़, और टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड बीट कर देगी। फिलहाल तो यही लॉजिक लग रहा है, और ये लॉजिक से आई थिंक कहीं ना कहीं सब सहमत होंगे जो फैंस सलमान खान के। अब देखते हैं आमिर खान के फैंस का क्या रिप्लाई आता है कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है भाई, क्या लगता है कितना सही कलेक्शन है या प्रेडिक्शन है, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही।